एक दूसरे के करीब जान वक्त वो माँ कता बल्ला रुकम। और अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत जड़ी औलाद लिखी तलाश करो, हुक्म दिता कि कोई मना नहीं रात दे वक्त ये पाबंदी नहीं, इस तो बुराई नहीं इनू क्या नेकी है, मगर एक टाइम रखिया इदों तक ना यदि लगाम खिंच के रखो, आदि बनाओ इनू कि हद के अंदर रहना, नाजायज नहीं करना। तो पुराने पाक की जी सूरा ने साहब की आयत पढ़ी, ये अल्लाह तआला ने फरमाया कि ईमान वाले लोगो किसी का माल नाजायज तरीके ना ना खाओ, उन्हों हड़प ना करो और किसी कतल ना करो। या अय्युह अल्लज़ीन आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल्बात, दो शां जड़ दसियां सारे जहान दियां किताबां फोड़ लो, बतन और फर्ज ते जाके गल मुकनी है, पेट और शर्मगा, और इन्हां चों खराबियां होनियां, और उन्हां खराबियां वास्ते लोगों ने फिर चोरी डाके। अज जिन्ने फसाद आ माशरे सब का मुढ़ यही है कि लोग चाहते पैसा आवे, नौजवान उठते असीं फिल्मां वेखीए शराबा पीए, नहीं हलाल मिलता हराम मिला दें। इस तो आयत जी मैं सूरा अल मोमिनून की पढ़ी अंबिया की, अल्लाह ने आख्या जिन्हें रसूल आया सब नबियों ने एक हुक्म मिलया, या ई व रसूल कुलू मिनत तैयबात वा अमल सालिहा, पाक चीज़ा खाओ हलाल ते नेक अमल करो, इन्नी बिमा तामलून अलीम, जो तुम करते जे सारा इनका मैंने इलम है, कोई शायद मेरे तो भुली नहीं। दोहां ते गल मुक्की, हलाल खाना ते नेक काम करना, दीन ये से मुक गया। क्या एक रसूल नहीं जिन्हें आया, या रसूल एक कोई मसला रहा, इस तो नमाज ना रोजे हज ना मर्जी के रंग तेर कर ले, अगर रिज़्क उसका हलाल नहीं पाक नहीं जायज तरीके ना उन्हें नहीं कमाया, उसकी सब मेहनत आए कख नहीं बनना। वह हज़रत शेख अब्दुल कादर जीलानी पीरां ने पीर रहमत अल्लाह जिस तरह फरमाते, बेहोजे आदमी जो उनकी मिसाल इतना ही है, हज़रत चली दिन का हवाला दिता, जिवें एक औरत नौ महीने पेट च बच्चा चुकी रखे, दुख सारा सवे जदों जने मुर्दा जाने, किन्नी मुसीबत कट्टी से लब्भा कुछ नहीं। यह रोजे नवाजा पक करके उड़ जाने, अल्लाह ने बारूद ना उड़ा देने कि हराम कमाया लोगों का माल खाता, हलाल रोजी। हजरत साहब ने रही विकास रवायत आँदी है, उन्होंने आख्या जे तो ना तू कि मुस्तजाब दावात हो जाए, जो दुआ मंगे रब तेरी पूरी करे, अतिब माता मका अपना खाना हलाल कर ला तो कुम मुस्तजाब दावा, फिर रब का दरवाजा खटखटा, रब तेरा मुंतजर होगा, तेरी दुआ कबूल करूंगा। हराम खावे तो रब को दुआ करें। तदे अल्लाह दे रसूल अल्लाह सलाम ने फरमाया कई बड़ा पैंडा करके जाते मक्के तील रजुल सफर अशा सगबरा वार खिलर ग एहराम बनना मिठियां पै गई, उत्थे पहुंचे बड़ा लंबा सफर करके, व मतम हराम मगर खुराक हराम है, व मल मशरब हराम पीना हराम है, व मल बस और कपड़े हराम दे, व खुद या बिल हराम गिदा सारी हराम है, ये मुद्दो जल समा उत्थे जाके समान वाला हाथ उठा तो रोंद या रबे हजूर फरमाते फर ना उस कहना रब की दुआ मने क्यों कबूल हो जो उन्हें खुदा के हुक्म तोड़ के हराम कमाया। इस तो ही आपने कहा यह दो रस्ते बंद कर दियो, ए हराम नहीं अंदर जाना, शर्मगाह जना नहीं कर देना, तो जन्नत की जमानत मेरे को लै लो। अल्लाह पाक फरमा ईमान वाले हो आपस एक दूसरे का माल गलत तरीके ना खाओ, गलत तरीके सिवाय चार शायद है, मैं बच्चे बैठे इस्लामी मैश्री समझानी होंगी कि इस्लाम च रोजी का सिर्फ चार चीज़ा हलाल है, इन्हों तो बाकी सब हराम है। दूजे का माल मेरे को जो आ चार रस्तों एक तरीका आवे हलाल है, होर किसी राह ना आवे हराम। एक उन्हना चुकी बै कि मैं किसी के हाथ कोई शायद बेचा उसकी कीमत ले लो, आपस मामला होया इन्ने की बेचदा उसको पैसे ले, बै ठीक है। दूसरा हिबा ठीक है, एक आदमी अपनी खुशी ने अपना माल दे दूंगा, कोई चोरी डाका नहीं दबा रहा, आप बंदा राजी हो। और तीसरा इजारा वो शह नहीं बेचता, मेहनत बेचता कि मैं तेरे दिहाड़ी ला देना, मैंने इन्नी मजदूरी दी। वो और आखिरी जरा ना इन्हों तो बाद वो सिर्फ विरासत है, आदमी फौत होया कोई वारस है बेटा हो रहा शरीयत का हक बनता आ गया, मीरास हिबा बै और इजारा इन्हों तो इलावा बाकी जिन्हें रस्तों ना किसी का मारे छीनूंगा ना तो कब्जा करूंगा, सब हराम है और नाजायज ही नाजायज है, और उन्होंने नचोड़ भी दोष है। अल्लाह तआला ने आख्या इल्ला अन तकूना तजारतन तलाज़मन, बाकी किसी तरीके ना मिलाओ हराम है, तजारत होवे और वह भी बाहमी रजामंदी है, एक की रजामंदी नहीं कि वेचने आके मैं खुश हाँ वेचण से मैनू नफा मिलता, या दूजा तराजन ये अरबी जबान दा, दोवें फरीक दिलों जानते हो इस शहर की हकीकत, कोई छुपाया ना हो, ना दुकानदार कोई धोखा किया, सही गल दसी फिर वह गाहक दिनों राजी होकर उन्हें फैल लवे, यह हालात है।
अगर तुम धोखा दिता उस बेचारे ने फराड किया जानदार नहीं कीमत तुम भावें कहो दी लै गया खुश होकर मैं सौदा कि हराम उत्तराजी कोई नहीं उन्होंने अगर सही गल का पता लगता उन्हें तेरे मुँह से थप्पड़ मारना।